शहर के एक युवा कलाकार हरीश फुलवारी ने कोड़ियों पर चित्र बनाने की महारत हासिल की है। कलाकार फुलवारी ने अब तक 114 कोड़ियों पर करीब 100 से अधिक महापुरुषों, विद्वानों, विचारकों, नेताओं के व्यक्तित्व चित्र बनाए हैं। कलाकार फुलवारी का यह कार्य विश्व कीर्तिमान हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। शीघ्र ही फुलवारी अपनी इस कला को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दावा पेश करने वाले हैं। शहर के एक निजी विद्यालय में चित्रकला अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले हरीश फुलवारी ने अब तक ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया नाम से सबसे पहले अपनी माताजी विमला देवी फुलवारी और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरबा, कर्नल डिक्सन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, अटल बिहारी वाजपेयी, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, मोहनलाल सुखाड़िया, ठाकुर कुशाल सिंह और अशोक गहलोत सहित अन्य महापुरुषों के चित्र बनाए हैं। कोड़ियों पर चित्र बनाने के बारे में हरीश ने बताया कि कोड़ियां पवित्र होने के साथ साथ प्राचीन विश्व में व्यापार के लेन देन के रूप में काम में ली जाती थी। कौड़ी समुद्री जीवों का घर है और कोड़ियां धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, चिकित्सा तंत्र, रीति रिवाज और टोटके आदि क्षेत्रों में विशेष उपयोगी है। पवित्र होने के कारण इन पर पेंटिंग्स बनाने की प्रेरणा मिली। माता पिता के सानिध्य में रहकर बड़े भाई घनश्याम फुलवारी से प्रारंभिक कला की शिक्षा प्राप्त की और घनश्याम फुलवारी और पिता मदनलाल फुलवारी का समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन्हीं से प्रभावित होकर फुलवारी ने कोड़ियों पर पेंटिंग्स बनाई। हरीश फुलवारी की इस अनूठी कला के बारे में जानकारी मिलने के बाद शहर के कला प्रेमियों ने फुलवारी की प्रशंसा की है। ये पेंटिंग की प्रेरणा मेरे को मिली, जैसे कि अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, परीक्षाओं की तैयारी में, तो उन्होंने इन महापुरुषों के बारे में काफी कुछ पढ़ने का और समझने का मौका मिला, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना, ये मैं ही समझ रहा हूँ तो ये अन्य जो भारत में जो अलग अलग लोग वगैरह सांप्रदायिक के लोग होते हैं तो उन पर भी इनके बारे में इनकी छवि जाए, क्योंकि इन्होंने भी अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया और इनका अच्छा कार्य करने के कारण ही आज ये हमारे बीच एक महापुरुष के तौर पर जाने जाते हैं और इन्हीं के विचारों से काफी लोग प्रभावित होते हैं और इनको अपना आदर्श मानकर चलते हैं। इसीलिए कोड़ियों पर इन महापुरुषों के व्यक्ति चित्र मैंने एक्रेलिक रंग के माध्यम से तैयार किया। इससे पहले कोई भी कलाकार इन एक्रेलिक रंगों से व्यक्ति चित्र वगैरह नहीं बनाए और इनमें अधिकांश राजस्थान के काफी महापुरुष है। इसमें 1857 की क्रांति से लेकर वैदिक काल के जितने भी महापुरुष हैं, विचारक हैं, उनके सभी के चित्रण वगैरह इसमें बनाए गए हैं। इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने अधिकांश इसमें समय समय पर, जैसे भारत में प्राकृतिक आपदा वगैरह काफी कुछ आई है तो उस समय भारत में भामाशाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसी में देखते हुए मैंने अपने ब्यावर शहर के भामाशाह है दामोदर दास राठी, तो उनका व्यक्ति चित्र बनाया। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, इन्होंने नारी शिक्षा पर इन पर काफी महत्व दिया। इसके अलावा ज्योतिबा फूले और अपने यहाँ के जैसे कि आपदा में काम आने वाले गोपाल सिंह खरवा, इसके अलावा अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी हुए हैं, जैसे जयनारायण व्यास वगैरह हुए और हरिभा उपाध्याय वगैरह, इनके सभी के व्यक्ति चित्र वगैरह इन पर बनाए गए हैं।